हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक जिसका नाम है एग्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, अगर इस कंपनी की हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं आज इस स्टॉक में हमें भयानक तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक जो है 20% से ज़्यादा आज जो है भागा है। पिछले 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। 6 मंथ की मैं बात करूं तो 196, और वहीं अगर मैं 1 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त 306% के जो रिटर्न्स हैं इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दिए हैं। 300% दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ा एक रिटर्न्स है। अगर आप इसको बैंकिंग सेक्टर की कैलकुलेशन से, एफडी सेक्टर की कैलकुलेशन से बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बैंक में 5-6% ही आपको एनुअली रिटर्न्स मिलते हैं, बट यहाँ आप देख सकते हैं 1 साल में 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अभी हमें इस स्टॉक को पकड़ना चाहिए, क्या हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी एनालिसिस है, क्या हमें वो कहती है कि हमें इन स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इस कंपनी के हम बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो जैसा ये जो कंपनी है, ये फर्टिलाइज़र जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप यहाँ देख सकते हैं फर्टिलाइज़र्स की, सुपर फास्फोट्स की, इसके अलावा नाइट्रोजन NPK जो होते हैं, मीन्स एग्रीकल्चरल जो बैकग्राउंड है उस सेगमेंट में जो है कंपनी कामकाज करती है। सिर्फ आपको ये NSE पर लिस्टेड कंपनी मिलेगी। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 95.6 करोड़ का है। बड़ी छोटी ये कंपनी है। 52 वीक हाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल 52 वीक हाई पर ये जो कंपनी है वो अभी चल रही है। बुक वैल्यू 21.6 है। स्टॉक भी डिसेंट नज़र आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, जो इस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये जो डाटा है 2011 से है। तो सबसे पहले तो आप कंपनी की सेल्स देखिए। कंपनी की जो सेल्स हैं 2011 में 34, देन 58, देन 58, देन 62 करोड़, 66, 76, देन 50, देन 63, देन 52, देन 41 करोड़। मीन्स सेल्स जो हैं बड़ी तो हैं, बट बढ़ने के बाद जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा, स्टार्टिंग के 5-6 साल कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, बट अभी पिछले 3 साल से आप देख सकते हैं 2018 4 साल से आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो कंपनी का लॉस में चल रहा है। आपके सामने यहाँ साफ साफ है कि कंपनी जो है पिछले 4 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेगेटिव जनरेट कर रही है। अदर इनकम से आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो ये 4 साल हैं इनमें अदर इनकम से जो कंपनी का रिवेन्यू है वो बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 साल को बीच में अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कंपनी जो है ठीक ठाक ही प्रॉफिट जो है जनरेट कर पा रही है। बट चिंता का विषय ये है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, वो पिछले 3-4 साल में हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं लास्ट क्वार्टरली बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 3.19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा जो कंपनी है उसने प्रॉफिट जनरेट किया था। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है पिछले क्वार्टर में हमें बड़ा शानदार देखने को मिला था, और सेल्स के मुकाबले भी आप देख सकते हैं कि जो पिछले लास्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर्स की सेल्स गई हैं वो काफ़ी शानदार इस कंपनी की गई हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी की जो सेल्स हैं अभी पिछले 1 साल से अच्छी ग्रो कर रही हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा कमबैक किया है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, 2017 में 16 करोड़ के कंपनी के पास
रिजर्व्स थे, उसके बाद जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो बढ़कर 17.85, देन 14, देन 18 और अभी जो है 21.38 जो रिजर्व्स हैं वो करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं। मींस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में कर्ज देखिए, लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर 2.36 करोड़ का कर्ज है। शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में कर्ज पहले ज़्यादा होता था, बट अभी कंपनी जो है लगातार काम कम कर रही है। एसेट्स अगर हम कंपनी के अभी करंट में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं वो जो हैं पहले से कम हैं, बट अभी जो है 72 करोड़ के जो है कंपनी के एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। वहीं अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो आप यहां सीधा सीधा देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त तरीके से कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं उनमें उछाल आया है। एक मंथ पहले 4 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग इसमें होती थी, बट अभी आप 2 दिन से देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है और आपको उसका असर भी स्टॉक के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त आज के दिन तो आप देख सकते हैं 20% की तेज़ी आई है, तो ये बड़ी ही मींस ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी में कमबैक हुआ है। अगर आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाएं तो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ सिरदर्द बन के आई है कि पहले भी ये जो स्टॉक है 150 के लेवल्स तक आपके सामने गया था। 2019 में इस स्टॉक ने बड़ी ज़बरदस्त भयानक तेज़ी दिखाई थी जब ये 23 रुपये के लेवल से 150 रुपये तक गया था, बट उसके बाद जो स्टॉक है आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ज़बरदस्त क्रैश हमें देखने को मिला था। मीन्स कोरोना के टाइम में ये जो स्टॉक है 5-6 रुपये पर आ चुका था, बट अब धीरे धीरे जो है स्टॉक जो है दोबारा से जो मीन्स रिकवरी मोड में हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब एज यूजुअल जैसा हमने अपने जो फैक्टर्स देखे, देखिए अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, बट अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 2 से 3 क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक उछला है और जो कंपनी की सेल्स हैं उसको देखकर मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आई है कि जो कंपनी की सेल्स हैं वो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली हैं। और अगर हम बैलेंस शीट नज़रिए से बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कर्ज कंपनी लगातार कम कर रही है, लॉन्ग टर्म में हो शॉर्ट टर्म में हो। वहीं अगर तेज़ी की बात करें तो ये एक भागती हुई ट्रेन के हिसाब से अभी आप इसको बातचीत कर सकते हो। नो डाउट कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, बट आफ्टर पैंडमिक के बाद जिस हिसाब से कंपनी में मींस इतना इम्पैक्ट पड़ा था उसके बाद से धीरे धीरे जो है कंपनी रिकवरी मोड में आ रही है, बट अभी के लिहाज से जो ये तेज़ी है, लास्ट क्वार्टर में अच्छे नंबर्स पेश किए थे, उससे पहले भी अच्छे नंबर्स पेश किए थे, तो शायद से जो Q4 के अपडेट्स हैं वो इस कंपनी के खतरनाक हमें देखने को मिल सकते हैं, तो रिजल्ट से पहले की ये तेज़ी साबित हो सकती है। तो प्लीज़ अभी अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा वेट करें, कंपनी के हम Q4 के जो नंबर्स आएंगे उनको हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम स्टेप उठाएंगे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स या पिछले क्वार्टर्स को देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्या पता ये उल्टा भी साबित हो सकता है। तो प्लीज़ अभी अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल सुबह ही इसको बाय कर लूं, तो ऐसा कोई भी रिकमेंड नहीं है, अभी थोड़ा वेट कीजिए, कंपनी के हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं। बट अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेश हैं, आपका निवेश है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, आप अपनी जो रैली है वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों नो डाउट कंपनी अच्छी है और जो मींस जो जिस हिसाब से इनका बिजनेस है, ये एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड कंपनी है और आपको पता ही है जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा जो हमारा मींस देश है वो कितना डिपेंडेंट है। तो कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है, हमें नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके लिए वेट करना होगा, अभी भागती ट्रेन को आप मत पकड़िएगा, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनली राय थी, आप भी अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।